जंगल में कई सारे जानवर अपने एक साथ रहते थे। उसमें एक चालाक लोमड़ी अपनी खुद की होटल खोल रखी थी। ये चालाक लोमड़ी सोचने लगी, काश मैं भी, सब जानवर अगर मेरे यहाँ पर आते हैं तो मैं काश शेर को क्यों नहीं बुला सकती हूँ। मैं जंगल के राजा को भी अपने होटल पर बुलाऊंगी, वो ऐसा सोचने लगी। फिर सभी से चर्चा, देखिए दोस्तों, अगर आपको भी इसी प्रकार की वीडियो बनानी है दोस्तों, तो देखिए सिंपली से आपको करना क्या होगा। पहले दोस्तों आप अपना जो प्ले स्टोर दोस्तों उसे ओपन कीजिए। जैसे दोस्तों प्ले स्टोर ओपन करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर फिर से दोस्तों इमेज मैंने दोस्तों डाउनलोड करने के बाद, फिर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको एनिमल्स दोस्तों, ये ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है आपके फ़ोन गैलरी में। तो दोस्तों जैसे आप अपने मोबाइल में ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करेंगे तो दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों जो एनिमल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे एनिमल को दोस्तों यहाँ से आपको क्रोमा की बैकग्राउंड सहित इसे देखिए यहाँ पर इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेने होगा। देखिए दोस्तों इसका बैकग्राउंड जो क्रोमा की कर लेते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों इसका बैकग्राउंड क्रोमा की कर लेते हैं, ताकि दोस्तों आपको बहुत आसानी हो एडिटिंग में। तो देखो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, बट दोस्तों आपको ये ध्यान रखना होगा कि दोस्तों आप जो भी देखिए यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं दोस्तों, जो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आप आसानी से ऐसे वीडियो बना सकते हो कि दोस्तों, और दोस्तों वीडियो की स्क्रिप्ट आपको लिखना नहीं आता है दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों जैसे चीता हो गया, और दोस्तों जैसे दोस्तों जो वन्य जीवन रहते हैं दोस्तों, वो सभी प्रकार के यहाँ पे जीव आपको मिल जाएंगे जो जंगल में रहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप यहाँ से आसानी से दोस्तों किसी भी प्रकार से दोस्तों यहाँ से उसका बैकग्राउंड चेंज करके अपने फ़ोन गैलरी में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दोस्तों ऑन करके कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली जैसे आपको करना क्या होगा, इसके दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी होगी। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, फिर इसको देखिए ऐसे इस प्रकार से आपको दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दोस्तों यहाँ से पूरी दोस्तों जितने भी एनिमल्स दोस्तों आपको अपने कहानी के हिसाब से रखने हैं दोस्तों। दोस्तों आपको दो दिन लगे या एक दिन लगे दोस्तों वीडियो बनाने में, बट दोस्तों आपको ये इतना आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। फिर देखिए दोस्तों यहाँ से चूजे को भी ले लेते हैं दोस्तों, जैसे दोस्तों पक्षी के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ से पक्षी कुछ इस प्रकार का दोस्तों, यहाँ से खुद दोस्तों यहाँ से आपको कोई सेटिंग और करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ से आपको सब बना बनाया खेल मिल जाएगा। फिर दोस्तों आपको सिंपल से यहाँ से करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर ये जैसे दोस्तों पक्षी वक्षी सब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बट दोस्तों आपको जो भी आपके कहानी में लेना है दोस्तों यहाँ से आप ले सकते हो। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये जो एनिमल्स होते हैं दोस्तों, ये खुद ही उसके वर्क करते हैं दोस्तों, उनका खुद ही दोस्तों यहाँ से वर्क करते हो। फिर दोस्तों देखिए यहाँ से इमेज सर्चमेंट पे दोस्तों जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों इमेज सर्चमेंट से हम डाउनलोड कर लेंगे दोस्तों इसके जो बैकग्राउंड्स रहते हैं दोस्तों, जो भी दोस्तों जंगल के बैकग्राउंड यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। देखिए दोस्तों बहुत सारे बैकग्राउंड यहाँ पर दोस्तों, अगर आप डालोगे जंगल कार्टून बैकग्राउंड दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बैकग्राउंड आ चुके हैं दोस्तों। आपको सिंपली से एक यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड आपके हिसाब से जो भी आपको पसंद है दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर लेना होगा। पर दोस्तों चैनल पर नए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम बहुत सारे बैकग्राउंड से दोस्तों यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। फिर दोस्तों आपको सिंपली से करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जो हमारे जो बैकग्राउंड से दोस्तों, ये बहुत ही शानदार बैकग्राउंड है। और दोस्तों ऐसे बैकग्राउंड देखिए आपको शायद ही मिले कहीं पर एक बैकग्राउंड, बट दोस्तों यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ से बैकग्राउंड डाउनलोड करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से अपना काई मास्टर ओपन करेंगे। जैसे दोस्तों आप काई मास्टर ओपन करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ से देखिए वो बैकग्राउंड यहाँ से ले लेना होगा, सिलेक्ट कर लेना होगा दोस्तों। वो बैकग्राउंड लेने के बाद देखिए दोस्तों हमने जो जो इमेजें ली थी वो भी लेंगे दोस्तों यहाँ से, बट दोस्तों आपको जो बैकग्राउंड थोड़ा बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली से आपको करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर दोस्तों यहाँ से क्लिक करेंगे लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे। मीडिया को जाने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिएगा, यहाँ से दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पर देखिए, फिर दोस्तों सिंपली से आपको करना क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ये इस जो दोस्तों अपने इमेजेस सब वहाँ से स्क्रीन रिकॉर्ड किए थे दोस्तों उसे ले लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए इसे क्रॉप कर देंगे, यहाँ से दोस्तों इसे क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद देखिए दोस्तों आपका जो ये जो बैकग्राउंड है दोस्तों, इसे भी आपको रिमूव करना होगा, ताकि दोस्तों आपका जो वीडियो काफ़ी अच्छी तरीके से बन सके। बट दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम इसका जो बैकग्राउंड है दोस्तों, इसे भी हम रिमूव करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो क्रॉपिंग हो चुकी है, फिर दोस्तों यहाँ से क्रोमा की पर दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपका, हमने इसे इनेबल करने के बाद दोस्तों इसका जो बैकग्राउंड है यहाँ से हट चुका होगा। फिर दोस्तों इसे थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर रख देंगे,
यहाँ पर रखने के बाद देखिए दोस्तों इसे सिंपली से आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इसे थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पर और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे सिंपली से देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसे इनेबल कर देंगे। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर इसे और आगे खसकाएंगे, फिर दोस्तों इसे और आगे लेंगे, फिर दोस्तों और आगे लेंगे। दोस्तों यहाँ पर चाबी के आइकन पर दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे दोस्तों इसे आगे लेना होगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसे ऐसा लेने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ये आगे चल रहा है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सरल और सिंपल तरीका है दोस्तों। बट दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना होगा कि दोस्तों आप इसे अच्छी तरीके से एडिटिंग कर पाओ। तो दोस्तों आप अगर 3-4 बार इसे दोस्तों करते रहोगे तो दोस्तों आपको आसान तरीके से आ जाएगी। 2 से 3 मिनट की वीडियो दोस्तों आपको बनाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ से फिर से लेयर में क्लिक करेंगे, फिर दोस्तों यहाँ से हम दूसरा जो हमने दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी दोस्तों उसे भी हम ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से भी इसे क्रॉपिंग ही कर देंगे। क्रॉपिंग देखिए दोस्तों यहाँ से सिंपली से इसे भी क्रॉप कर देंगे। बट दोस्तों देखिए यहाँ से इसे भी क्रॉप कर देंगे। फिर दोस्तों आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा, देखिए दोस्तों इसे भी क्रॉप कर दिया। फिर दोस्तों इसे भी वैसे ही हम एडिट करेंगे जैसे आप दोस्तों सिंपली से करना चाहते थे। बट दोस्तों इसे सिंपली से आप जैसे एडिट करना कर सकते हो वैसे कर सकते हो। बट दोस्तों देखिए यहाँ पर इसे भी इनेबल कर देंगे। ये देखिए दोस्तों क्रोमा की पर क्लिक करने के बाद जैसे ये भी इनेबल हो चुका है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली से करना क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपको सिंपली से करना क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे दोस्तों। बड़ा करने के बाद दोस्तों इसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और छोटा कर देंगे, देखिए यहाँ पर। और दोस्तों इसे नीचे धरती पर मतलब दोस्तों इसके बैकग्राउंड पर हम इसे बैठा देंगे। तो दोस्तों यह बहुत ही ज़्यादा सरल और सिंपल तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। बट दोस्तों आपको ये ध्यान में हमेशा रखना होगा कि दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एडिटिंग करनी होगी और दोस्तों आपकी वॉइस ओवर भी बहुत अच्छी तरह क्वालिटी की और अच्छी तरीके से होनी चाहिए। बट दोस्तों अगर आप अच्छी क्वालिटी की और अच्छे अगर वॉइस ओवर कर सकते हो तो कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों ये आपकी वॉइस ओवर बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक भी डाल दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप बैकग्राउंड म्यूज़िक कैसे दोस्तों डाउनलोड करते हैं वो अगर आपको नहीं आता करना तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो दोस्तों वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा किड्स का दोस्तों बैकग्राउंड कैसे आप साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करेंगे। दोस्तों बैकग्राउंड अच्छे से रखिएगा, एक अच्छा बैकग्राउंड यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा जो शेयर है वो चलने लगा है, चीता दोस्तों यहाँ से चलने लगा है। ये चीज़ दोस्तों सिंपल तरीके से आप पूरे यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा। फिर रिमूव करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आना होगा। फिर दोस्तों सेव नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे दोस्तों हम सेव नाउ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर दोस्तों ऐड को स्किप कर देंगे, यहाँ से दोस्तों आपको स्किप कर देंगे। फिर दोस्तों आपके जो वीडियो दोस्तों आपके फ़ोन गैलरी में आसानी से सेव हो जाएगा। बट दोस्तों आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, बट दोस्तों आपका वीडियो सक्सेसफुल बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।